नमस्कार। आसन पर मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही रामबाण औषधि लेकर आए हैं, एक बहुत बड़े मर्ज के लिए, जिसका दर्द बहुत ही असहनीय पीड़ा पहुंचाने वाला होता है। जी हाँ, हम पथरी की बात कर रहे हैं। पथरी किसी भी प्रकार से हो, कभी अच्छी नहीं होती है, दुख कभी भी अच्छा नहीं होता है। किसी को पेशाब की थैली में पथरी हो, या फिर गुर्दे में पथरी हो, या फिर गॉल ब्लैडर में पथरी हो, यानी पित्त में पथरी हो, तो किसी भी प्रकार की पथरी से किसी भी प्रकार का जो दर्द उत्पन्न होता है, जैसे जी मचलाना हुआ, सिर दर्द हुआ, या उल्टी आना, या उल्टी भरना हुआ, या फिर पेट का वो असहनीय दर्द होता है, पीड़ा होती है, जिसमें आदमी लोटपोट हो जाता है, तो यानी किसी भी प्रकार का हो, या फिर पेशाब में जलन पड़ रही हो, तो हर प्रकार के दर्द को निवारण करने के लिए, दूर करने के लिए जो आप ये वनस्पति देख रहे हैं, यह बहुत ही रामबाण औषधि की तरह काम में ली जाती है। जिन लोग नहीं जानते उन लोगों के लिए मैं बता दूँ कि इसे पत्थरचट्टा बोलते हैं। यह जंगलों में, पहाड़ों में आराम से हो आता है, आसानी से मिल जाता है, और यह बहुत सारे मर्जों में इसका इस्तेमाल हमेशा से किया जाता रहा है। यदि आप इसको घर में लगाना चाहते हैं तो आप एक इसका पत्थरचट्टा का एक पत्ता ले लें, और नमी युक्त यानी कि गीली मिट्टी से आप इसे ढक देंगे, तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में ये खूबसूरत से जो पौधे हल छोटे छोटे से देख रहे हैं, छोटे छोटे ये प्लांट हैं, तो ये इस तरह से हो आएंगे। फिर आप इनके छोटे छोटे पौधों को आप किसी भी पॉट में लगा दें, क्यारी में लगा दें, आप जैसे भी सुविधाजनक चाहते हैं उस हिसाब से आप लगा दें। और पत्थरचट्टा का पौधा है वह घर में होना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत सी बीमारियों के लिए अचूक दवाई की तरह काम करता है। तो आज हम जो पथरी की बात करने वाले हैं, तो उसके लिए आपको ये पत्थरचट्टा का पत्ता लेना है। तो आपके लिए यदि बड़े साइज़ का पत्ता ले रहे हैं तो आप बड़ा लेना है तो एक लेना है, और नहीं तो मीडियम साइज़ के दो लेना है। इनको आप धोकर सिलबट्टे पर आराम से इनको पीस लें, इनको अच्छे महीन पीस लें। और इसको आपको क्या करना है कि गाय का दूध लेना है, सॉरी गाय का दूध नहीं, बकरी का दूध लेना है। तो आपको बकरी का दूध लेना है, यहाँ पर गाय और भैंस का दूध नहीं चलेगा, बकरी का दूध चलेगा। बकरी का दूध होता है वो पोषण से भरा हुआ होता है, और आप देखेंगे कि जो छोटे छोटे नवजात शिशु होते हैं जिन माताओं को दूध नहीं होता है, तो वैद्यों के द्वारा या डॉक्टरों के द्वारा उनको बकरी का दूध पिलाने की सलाह दी जाती है। और बढ़ते बच्चे यदि पीते हैं तो ये और भी ज़्यादा उनके लिए फायदा पहुंचाता है। तो हम जो पथरी की बात कर रहे हैं, तो उस नुस्खे में हमें बकरी का दूध ही लेना है। और यदि बकरी का दूध नहीं है तो आप यह नुस्खा का जो इस्तेमाल है वो आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बकरी का दूध ही आपके लिए फ़ायदा पहुंचाएगा। तो आपको कम से कम 100 से 150 ml के लगभग बकरी का ताज़ा शुद्ध दूध लेना है। और मैंने आपको जो बताया, एक पत्ता बड़ा और दो पत्ते या फिर मीडियम साइज़ के, तो उनको पेस्ट बनाकर आपको दूध में घोल लेना है। और आप इसको सुबह सुबह खाली पेट पीना है, ब्रश करने के बाद आप इसे पी लें। आपको चाय कॉफ़ी नहीं पीना है, यदि आप चाय कॉफ़ी पीते हैं तो इसके यानी जो आप ये पी रहे हैं, जो नुस्खा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उपचार कर रहे हैं, तो ये दूध आपको पत्थरचट्टा वाला पीने के 30-40 मिनट बाद ही चाय कॉफ़ी आप पीजिए, तभी आपके लिए यह नुस्खा फ़ायदा पहुँचाएगा। और आपको बकरी का दूध लेना है, इस बात का ध्यान रखना है, बकरी का दूध उबला हुआ नहीं होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। और आपको 30-40 मिनट तक कुछ भी खाना पीना नहीं है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आप देखेंगे किसी भी तरह की आपकी पथरी है, कोई भी पथरी से उत्पन्न होने वाली कोई भी समस्या है, तो हर समस्या को ये दूर करते हैं, क्योंकि इसका नाम ही है पत्थरचट्टा, यानी जो पत्थरों को तोड़ दे, चटका दे। इसी प्रकार से यह जो नुस्खा है तो वो हम पीते हैं, इस्तेमाल करते हैं पत्थरचट्टा की पत्तियों का, तो हमारे अंदर जो भी पथरी है, जिस अंग में पथरी है, तो वह इसको जड़ से समाप्त कर देती है, धीरे धीरे वो उसको महीन पाउडर की तरह कर देती है और शरीर से बाहर कर देती है। तो यह नुस्खा अजमाया हुआ 100% काम करने वाला नुस्खा है, और सदियों से इसका उपाय कह लीजिए या उपचार कह लीजिए, तो पत्थरचट्टा जो वनस्पति है, तो इसका पथरी के लिए हमेशा से उपचार किया जाता रहा है। तो यह नुस्खा आप ज़रूर इस्तेमाल करिएगा, जिन लोगों को भी पथरी है, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग इसका लाभ उठा सकें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल आसान पल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों में और अपने रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक लिए ना।